हेलो किड्स कैसे आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो बेटा इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक सवाल का जवाब लेकर आई हूँ सवाल ये है कि मैम अगर हमें काउंसलिंग के दौरान एमबीबीएस नहीं मिलता है तो हम क्या चूज करें क्या ऑप्ट करना चाहिए बी या बी ये एक बड़ा सवाल है तो बेटा अगर आपका जो है फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट ठीक है ठीके? तो फिर तो आपको इस बार एडमिशन ले ही लेना चाहिए लेकिन अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट था तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एमबीबीएस के लिए फिर से ट्राई करें लेकिन अगर फोर्थ या फिफ्थ था तो इस बार आप जो है श्योरली एनरोल कर लीजिए अगर काउंसलिंग के दौरान आपको एम नहीं मिलता है और फिर आपको ऑप्शनल हो जाता है कि मैं बी की तरफ जाऊँ या बी की तरफ जाऊं तो बच्चा स्कोप जो है वो दोनों ही जगह है जो सवाल बच्चों का आ रहा है बार बार मैसेजेस में कि मैम किस में स्कोप ज्यादा है तो स्कोप की बात ये है कि बीडीएस जो है आपका जैसे कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है तो दांतों के डॉक्टर आप बनेंगे और दांतों की समस्या दांत तो हर इंसान के पास है दांतों की समस्या भी हर घर में किसी ना किसी को होती ही है तो ऐसा नहीं है कि उसमें स्कोप नहीं है उसमें भी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर सभी स्कोप है ठीक है लेकिन बस एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है कि बीडीएस में जो है आपकी लाइन जो है वो थिन हो जाती है या आप सिर्फ जो है आ, मतलब एक दांतों रिलेटेड समस्याओं से जो है थोड़ा सा आप डील करेंगे लेकिन अगर आप बी एम एस करते हैं तो आपका एरिया जो है बच्चा ब्रॉड हो जाता है फिर आप बहुत सारी कैटेगरीज के साथ डील कर सकते हैं आप जो है बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं तो वो एक थोड़ी सी चीज है ठीक है अब सवाल बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर इन फ्यूचर हमारा प्लान हो कि हम अपना हॉस्पिटल बनाना चाहें तो हम क्या करें हम बी की तरफ जाएं या बी की तरफ जाएं तो पहली बात तो ये है बच्चा कि अगर आपको हॉस्पिटल बनाना है तो फिर आपको एक एम डॉक्टर चाहिए ठीक है उसके साथ आपको एक एम भी रिक्वायर्ड होगा ओके और आपको पूरा नर्सिंग स्टाफ और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और हॉस्पिटल बनाने के लिए आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मतलब आप देखोगे ना अपने एरिया में भी आसपास में तो ऐसा होता है कि लोग जो मेडिकल साइड से नहीं है ठीक है इवन कोई फार्मासिस्ट है किसी का मेडिकल स्टोर है वो लोग भी क्या करते हैं अपना हॉस्पिटल रन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो डॉक्टर्स के साथ जो है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या फिर डॉक्टर्स को सैलरी पर हायर करते हैं बिल्डिंग उनका होता है ऑनर वो होते हैं लेकिन उसको जो है वहाँ पर काम डॉक्टर्स करते हैं तो वो तो आप जो है सैलरी दीजिए आप किसी को भी बुला सकते हैं ठीक है तो हॉस्पिटल रन करने वाली जो बात है हॉस्पिटल रन करने के लिए बचा ये है कि हॉस्पिटल तो आजकल अ, मेडिकल बैकग्राउंड के लोग जो नहीं है वो भी कर रहे हैं ठीक है या फिर जो बच्चा फार्मासिस्ट है या किसी ने जो है अपना छोटा सा क्लिनिक खोला हुआ है आयुर्वेदा का मतलब उसके लिए ये जरूरी नहीं कि बीडीएस या बीएमएस को आप इस पर्सपेक्टिव से चूज करें ओके okay, बच्चा और अगर डिग्री की बात है तो फिर हॉस्पिटल के लिए तो आपको एमबीबीएस भी चाहिए आपको सर्जन भी चाहिए आपको नर्सिंग स्टाफ भी चाहिए आपको सबकी जरूरत होने वाली है तो बात जो है वो पैसे की है ठीक है अगर जो है पैसा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे डॉक्टर्स को आप बुला पाएंगे तो आप हॉस्पिटल जो है ज़रूर खोल पाएंगे रही बात ऑप्शंस की तो बी को चूज करें अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा बीमारियों का इलाज करें अगर आप अपने एरिया को नैरो नहीं करना चाहते बी को चूज करो अगर बच्चा आप संतुष्ट है ठीक है एक अच्छे दाँतों के डॉक्टर बनकर भी तो बी ए और बी में से दोनों में ही स्कोप है दोनों में ही सारी चीज़ें हैं अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है किस फील्ड में जाना चाहते हैं तो मिलते हैं कल सुबह बजे वाली क्लास में कल मैं प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी डेली सुबह ग्यारह बजे लाइव क्लास होती है मेरी आप लोगों के साथ ठीक है और मैं आप लोगों को नीट 2024 की धुआंधार तैयारी करा रही हूँ जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पूरा कोर्स मैं आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली हूँ और क्लास के जस्ट बाद पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से आप जुड़ जाइए ओके okay बच्चों तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कल सुबह ग्यारह बजे लाइव क्लास में बाय